जी मेरा एक बहुत ही लोकप्रिय शो आया जिसका नाम है संतोषी माँ, जय संतोषी माँ। उसमें मैंने सीता माँ का किरदार निभाया। कलर्स पे आया विद्या। अभी बहुत ही एक प्यारा सा शो है जिसमें मैंने नेगेटिव किरदार निभाया है जिसका नाम है लवपंती, जो एमएक्स प्लेयर पे आता है। अच्छा और उसमें एक मेरा डायलॉग है, मैया जाने मन का हाल। अभी मैं जय भारती कर रही हूँ, नई सोच हो गया। तो वो जो खेसारी लाल हो गए या जो भी सो कॉल्ड लोग हैं, मैं उनको स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सतीश और हमारे साथ एक शख्स हैं जो बेहद लोकप्रिय हैं और हम इस हरिहर क्षेत्र के धरती पर आए हैं, बाबा हरिहरनाथ के मंदिर में दर्शन किए हैं। आप परिचय में चाहूँगा कि आप खुद से बता दें, दर्शक अच्छी तरीके से अवगत हो जाए। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मेरा शुभ नाम है ऋषिका सिंह चंदेल। मैं बिहार के छपरा से बिलोंग करती हूँ। मेरा जन्म वहीं पे हुआ है और मेरा एजुकेशन और जो भी है, मतलब जन्मभूमि मेरी बिहार है। हरिहर क्षेत्र में आकर कैसा लगा? हरिहरनाथ बाबा का आपने दर्शन किया, कैसा महसूस हुआ? बहुत ही अच्छा लगा। विपिन जी जो मेरे बहुत ही खास मित्र हैं, उनके द्वारा मैं गई वहाँ पे और बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे दर्शन किया मैंने। प्रोसेस वाइज पूजा हुई मेरी और बहुत ही खुशी हुई। और अंदर जाके बस इतना ही मांगा मैंने कि जो मतलब हमारे पूरे जो भी लोग हैं सबको खुश रखिए, दैट्स ऑल। अच्छा, आपकी शादी हो गई है नहीं अभी तक तो नहीं हुई है। तो वहाँ इस चीज़ का भी कुछ मांगे होंगे ईश्वर से कि हमारी शादी भी जल्द हो जाए। अच्छा आप मुझे बताइए, आज आपसे मैं एक क्वेश्चन कर रही हूँ। जी आपके मम्मी पापा जी हैं, जी चाचा चाची बुआ सब लोग फूफा जो हैं। हैं, क्या आपने कभी क्वेश्चन किया कि आप लोग खुश हैं एक दूसरे के साथ? ऐसा तो अरे ये ऐसे हैं, वो वैसे हैं, वैसे ही चल रहा होगा, चलता है। तो मैं सोच रही हूँ जितना खुद को टाइम दे सकती हूँ, अपने ऊपर काम कर सकती हूँ, करूँ, उसके बाद वो लाइफ तो मेरी भी स्टार्ट हो जाएगी कि वो आदमी ठीक नहीं है, वो कहेगा ये ठीक नहीं है। इसलिए अभी कोई प्रेशर नहीं है, अच्छा, मैं अभी बस काम करना चाहती हूँ। मतलब उससे अभी इच्छा नहीं है। बिल्कुल नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि किन किन क्षेत्रों में, किन किन चैनलों पे, किन किन धारावाहिकों में आप काम कर रही हैं अभी? जी मेरा एक बहुत ही लोकप्रिय शो आया जिसका नाम है संतोषी माँ, जय संतोषी माँ। उसमें मैंने सीता माँ का किरदार निभाया। फिर से कलर्स पे आया विद्या। अभी बहुत ही एक प्यारा सा शो है जिसमें मैंने नेगेटिव किरदार निभाया है जिसका नाम है लवपंती, जो एमएक्स प्लेयर पे आता है। अच्छा, और उसमें एक मेरा डायलॉग है, मैया जाने मन का हाल। सो वो बहुत फेमस है। उसके साथ बहुत ही सारे शोज है, जैसे कुमकुम भाग्य हो गया, अभी मैं जय भारती कर रही हूँ, नई सोच हो गया, बहुत सारे ऐसे शोज हैं जो मैं कर रही हूँ। और एक फिल्म है जो मोस्ट प्रॉबली दिस ईयर रिलीज हो जाए। छपरा की जब आपने बात किया तो मैं ये भी सवाल जानना चाहूँगा कि छपरा से ही एक कलाकार आते हैं खेसारी लाल यादव, परिचय से अवगत होंगे मुझे लगता है। सोशल ब्लेड पे सबसे आगे रहते हैं अभी अच्छा अभी के दौर में, कैसे उन्हें देखते हैं? मैं देखती ही नहीं हूँ, सही पूछिए तो। अच्छा मैं आपको सच बताऊं तो वो जो खेसारी लाल लोग हैं या जो भी सो कॉल्ड लोग हैं, मैं उनको देखती ही नहीं हूँ, क्योंकि देखने जैसी चीज़ भी होनी चाहिए। ठीक बिल्कुल, है, टैलेंट है, अच्छा गाना गाते हैं, शायद अच्छी एक्टिंग भी करते होंगे, बट मैं पर्सनली नहीं जानती हूँ। बट हाँ, हमेशा जब भी मैं बिहार की तरफ आती हूँ तो इतना सुनने में आता है कि लड़ाइयाँ चल रही हैं दो लोगों में, अच्छा और मैं भी मज़े लेती हूँ बस। सिर्फ मजे लेते हैं। हाँ मैं कुछ कर नहीं सकती ना। अच्छा, आपको इस भोजपुरी में आना पसंद है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। क्यों? और पसंद क्यों? जब बिहार से आती हैं तो बिहार भोजपुरी अपने आप में एक स्थान रखता है, हाँ और भोजपुरी में आना क्यों पसंद नहीं अच्छा, है? आप मुझे बताइए कि वो स्थान कौन सा है। आप एक्ट्रेस हैं तो एक्ट्रेस का रोल कीजिएगा। अच्छा, और वो एक्ट्रेस का रोल जो आप देखते हैं, क्या आपको लगता है कि मुझे करना चाहिए? मुझे देख के ऐसे आपके मम्मी पापा बैठ के कभी भोजपुरी फिल्म देखते कि आओ चलो बेटा बैठ के एक फिल्म देखते हैं? तो एक सुधार का एक अपना सुधार हिस्सा का भी है। जिम्मा सिर्फ मैंने उठाया हुआ है, आपने भी उठाया है, जो अभी शूट कर रहे हैं उन्होंने उठाया, यहाँ पे जितने दर्शक हैं उन्होंने भी उठाया है। सिर्फ मेरे जागो 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 से नहीं होगा, ये सबके लिए है कि आप सब जागरूक हो, तभी भोजपुरी कुछ नेक्स्ट लेवल पे जा पाएगा। अभी भोजपुरी में मतलब बहुत सुधार किया हो सकता है। बहुत से भी बहुत ज्यादा अच्छा, आपको ऑफर आएगा तो आप काम कीजिए या नहीं? मुझे ऑफर आएगा तो नदिया के पार जैसी फिल्में, गंगा जैसी फिल्में मैं जरूर करूंगी, उसके अलावा नहीं कीजिएगा। ऐसी फिल्में, मैं कह रही हूँ वैसे कॉन्सेप्ट होने चाहिए, वैसे पारिवारिक फिल्में होनी चाहिए कि आप पूरे पेरेंट्स के साथ बैठ के देख पाए, आपको किसी कोने में फोन ले जाके नहीं देखना हो कि ओ इसमें तो ये अच्छा, भी सीन है। नो, मैं ऐसा शोज नहीं करना चाहती, ऐसी ऐसी शो फिल्में नहीं नहीं करना करना चाहती। चाहती। नो, दूसरी चीज़ है कि आप हमसे मतलब हम लोगों से बात जब हो रही थी तो आपने कहा कि हमारी फिल्में भी आने वाली हैं, कब हाँ तक आएगी?
देखिए अभी क्या है ना, बॉलीवुड का हाल थोड़ा सा खस्ता चल रहा है, जैसे आपको पता है बहुत बड़ी बड़ी बजट की फिल्में आ रही हैं बट वो फ्लॉप हो जा रही हैं। तो प्रोड्यूसर हो या फिर एक्टर हो, डायरेक्टर हो, जिन्होंने पैसा लगाया है वो बहुत सोच समझ के रिलीज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें, अभी शूटिंग जो है वो 25% ही हुई है, अभी 75% शूटिंग बाकी है, और उन्हें जब ठीक लगेगा कि अब शायद उनका बिजनेस रन कर पाए रिलीज़ करने के टाइम, वो तभी करेंगे। अच्छा, आप मुंबई से चलकर यहाँ आई है, यहाँ की निवासी है, मुंबई से चलकर यहाँ चल के नहीं आई हूँ। अच्छा, बैठ के आई हूँ। बैठ के आई है। हाँ। अच्छा, किस चीज पे बैठी थी? गाड़ी पे बैठी थी मैं। अच्छा, ये बताइए इन सारी परिवेश को देखकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? कौन सी परिवेश? ये जो परिवेश देख रहे हैं, डेवलप हुआ है? बिल्कुल हुआ है। देखिए अभी मैं जहाँ पे बैठी हूँ, चौपाटी फूड एंड ड्रिंक रेस्टोरेंट है, जो कि ये गंडक नदी के किनारे है सोनपुर में, एंड आई एम रियली ब्लेस्ड कि मैं ऐसे जगह पे हूँ, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये जो जगह है वो बिहार में है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा प्लेस अभी कहीं बिहार में होगा, और मे बी शायद मैं घूमी नहीं हूँ, लेकिन अभी तक मैं जितने जगह भी मैंने ट्रैवल किया है, यही एक प्लेस है जो मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा है, जहाँ पे आपको बैठ के बाहर का फील आएगा। तो अभी के परिस्थिति में मतलब बिहार डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ रहा है? हाँ, ये इसी को देख के मैं बिहार डेवलपमेंट की आगे बढ़ रहा है, ऐसे कैसे कह दूं, रेस्टोरेंट डेवलपमेंट की ओर है, ये कह सकते हैं आशुतोष जी का जो रेस्टोरेंट है उन्होंने बहुत डेवलपमेंट के साथ बनाया है, बस ये बढ़ रहा है। आखिर तो बिहार में ही है ना मैडम? हाँ जी, बिहार में है, तो बस एक डेवलपमेंट से मैं सब मतलब सब रास्ते से चल के आई होगी, कई सारी डेवलपमेंट रास्ते में देखी। हाँ, मैं बता रही हूँ, ट्रेन क्रॉस कर जाने दीजिए, स्टे ट्यून्ड। डेवलपमेंट के बारे में कहेंगे तो बिहार सच में बहुत धीरे धीरे डेवलप कर रहा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत पीछे हैं। मैं इस बार मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी, 50th anniversary थी, तो इसलिए मैं बाय रोड आई। अच्छा। ठीक है, मैं अपने कार से ट्रैवल करते हुए आई, मैंने बहुत सारे स्टेट क्रॉस किए, बट जैसे ही मैंने बिहार में इनके, और मुझे बहुत ख़राब भी लगता है ये बोल के कि मैं खुद बिहार से हूँ और उसकी शिकायत कर रही हूँ, बट ये शिकायत नहीं है, ये एक अपील है हमारी सरकार से कि वो समझे। जैसे इन किया मैंने, मैं वो आरा और मोहनिया रोड है, उस साइड से मैं होते हुए आ रही थी, इतनी ट्रैफिक, रोड इतना ज़्यादा ख़राब, जो मुझे पहुंचना था रात के 1 बजे, मैं सुबह के 5 बजे पहुंची हूँ। तो आप सोचिए कि आप कैसे कह रहे हैं डेवलप हो गया है, डेवलपमेंट हो रहा है बट बहुत स्लो हो रहा है, बहुत काम करना बाकी है, एक जगह बैठ के हम डेवलप डिसाइड नहीं कर सकते। अच्छा, नए लोग जो हमसे जुड़े होंगे वो जानना पसंद कर रहे हो कि आप किस जगह से? मैं सरन के छपरा से आती हूँ, प्रॉपर छपरा जिला से। अच्छा, मतलब एक साल के अंतराल में कितने बार? लास्ट मैं अभी छठ में आई थी, मैं आपको अच्छा। बताऊं, लेकिन मैं जो छठ में आई थी वो मैं 1 साल बाद आई थी, क्योंकि जब जैसे मैं सीरियल करती हूँ तो सीरियल में छुट्टी मिलना बहुत इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है, और मैं स्पेशली मुझे छठ से बहुत ज़्यादा लगा है, छठ पूजा से, तो आप आते तो उसमें 4 दिन का टाइम चाहिए होता है, और इतनी लंबी छुट्टी मिलती नहीं है हमें, 1 दिन आने का, 1 दिन जाने का, और 4 दिन की ये जो पूजा होती है हमारी होती है। सो छठ के बाद मैं अभी आई हूँ, क्योंकि मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी, एंड देन अब मैं जब जाऊंगी तो छठ में ही आऊंगी। अच्छा, बॉलीवुड में जब आप शूटिंग करते हैं तो कभी ये नहीं लगता है कि हम बिहार में चल के बिहार के किसी जगहों पे वहाँ जाकर अगर बॉलीवुड को अपना एक मतलब उस जगह पे जाकर शूटिंग करूँ? देखिए मैं आप ये जो बात कह रहे हैं, बिहार में बहुत सारे शूटिंग्स होते हैं। अच्छा। ठीक है, वो देखिए क्या होता है ना, वो ये सारी चीज़ें हम डिसाइड कर नहीं सकते हैं, ये प्रोडक्शन डिसाइड करता है कि उसको शूटिंग कहाँ करनी है, वो हम सजेशन भी नहीं दे सकते हैं, उन वो राइटर है उसको क्या चाहिए, उनको किस जगह शूट करना है, डुबकी लगवाना है कि ऊपर से उड़ाना है, वो सब वही डिसाइड करते हैं, बट बिहार में भी बहुत ज़्यादा शूटिंग होती है। अगर भोजपुरी सुधर जाता है तो आप उसमें काम करना पसंद करेंगे? बिल्कुल करूँगी, क्यों नहीं करूँगी, हम बानी बिहार से तो हम भोजपुरी में काहे ना काम करें, बताइए। करें। हाँ करें। रघुआ से बात करके हमारा की बहुत अच्छा लगल, तो रघुआ से अच्छा तो हम भोजपुरी बोल रहे बहुत बहुत आपका धन्यवाद, हमें समय आपने दिया, और अंततः जाते जाते मैं इनका फिर से परिचय दे दूं कि ऋषिका सिंह चंदेल जी हैं और छपरा से बिलोंग करती है, और बेखूबी हमसे आप इन्होंने बात किया और बहुत अच्छा लगा, तो इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर कीजिए। इतना दुखी होके बोलिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए इनके चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, एंड वीडियोस को आगे अपने दोस्तों में, फैमिली में, ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि जिनको इनके चैनल के बारे में नहीं पता है वो भी देख पाए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। टेक केयर, बाय बाय, and see you soon, stay tuned for next video, right? Thank you. Yeah.